नमस्कार। जब से भारत का रुख गिलगित बाल्टिस्तान को लेकर सख्त हुआ है, तब से चीन भी भारत और उसके आसपास के इलाकों में अपनी दबंगई दिखाने की कोशिश कर रहा है। कभी चीन के सैनिक सिक्किम बॉर्डर पर भारतीय सैनिकों से भिड़ जाते हैं, कभी चीन का मीडिया माउंट एवरेस्ट को चीन का हिस्सा बता देता है, तो कभी पाकिस्तान और चीन मिलकर गिलगित बाल्टिस्तान में या पीओके में कुछ नया निर्माण करने की ओर बढ़ जाते हैं। ऐसी ही एक हरकत चीन और पाकिस्तान ने मिलकर भारत को उकसाने और चिढ़ाने के लिए की है। चीन और पाकिस्तान ने मिलकर फैसला किया है कि वो गिलगित बाल्टिस्तान में एक डैम बनाएंगे। दियामेर भाषा नाम का यह डैम चीन की सरकारी कंपनी पावर चाइना और पाकिस्तानी आर्मी की कमर्शियल विंग फ्रंटियर वर्क ऑर्गेनाइजेशन मिलकर बनाएंगे। इस डैम में चीन की सरकारी कंपनी पावर चाइना की हिस्सेदारी 70% जबकि FWO की हिस्सेदारी 30% होगी। आपको बता दें कि जो फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ऑलरेडी चीन की जो पावर चाइना है इस कंपनी का काफी बड़ा स्टेक पहले से है, और अब ये दोनों यानी कि FWO और पावर चाइना मिलकर दियामेर भाषा नाम का ये डैम गिलगित बाल्टिस्तान में बनाने जा रहे हैं। ये साफ दिख रहा है कि पाकिस्तान और चाइना ने ये कदम, ये डैम बनाने का फैसला भारत के गिलगित बाल्टिस्तान के ऊपर जो सख्त रुख है उसको देखते हुए किया है। इस डैम को बनाने का अरमान पाकिस्तान 1980 से पाल रहा है। 1998 में नवाज शरीफ के प्रधानमंत्री रहते हुए इस डैम की शुरुआत करने की कोशिश की गई थी, लेकिन भारत की तरफ से उस दौरान कड़ा एतराज जताया गया था और उसके बाद इस बांध का निर्माण पूरी तरह से शुरू नहीं हो पाया। हालांकि पाकिस्तान वक्त वक्त पर लगातार कोशिश करता रहा है कि वो इस डैम को पूरा करे। पाकिस्तान ने इसके लिए फंड जुटाने की भी भरपूर कोशिश की है। पाकिस्तान इसके लिए वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक से कर्ज मांग चुका है। हालांकि इन दोनों बैंक्स ने यह कहकर पाकिस्तान को कर्ज देने से इनकार कर दिया था कि यह पूरा इलाका काफी डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। एडीबी और वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान से कहा कि अगर भारत इस बांध को बनाने पर रजामंदी दे देता है तो वो उसे कर्ज दे सकते हैं। पाकिस्तान से कहा गया कि वो पहले भारत से जाकर एनओसी लेकर आए और उसके बाद ही इस बांध को बनाने की सोचे। पाकिस्तान लगातार इस कोशिश में लगा हुआ था कि किसी तरह से इस डैम को बनाने के लिए उसके पास फंड्स अरेंज हो जाएं। इमरान खान के पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने के बाद चाइना की तरफ से कई बार इस डैम के लिए फंड्स की पेशकश की गई, लेकिन पाकिस्तान इस पर कोई फैसला नहीं ले पा रहा था। लेकिन अब मौजूदा वक्त में जब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई है और उसे कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा कि वो अपनी अर्थव्यवस्था को उबार ले, तो ऐसे में पाकिस्तान ने चीन के इस ऑफर को स्वीकार कर लिया है। अब पाकिस्तान और चीन मिलकर इस डैम का निर्माण करेंगे। इन दोनों देशों ने लक्ष्य रखा है कि वो 2028 तक इस डैम का निर्माण पूरा कर लें। कहा जा रहा है कि इस डैम के बनने से पाकिस्तान की इकोनॉमी को काफी फायदा मिलने वाला है। इस डैम से काफी बड़ी संख्या में रोजगार मिलने की भी संभावना पाकिस्तान की ओर से जताई गई है। कहा जा रहा है कि इससे करीब 16,500 लोगों को रोजगार मिलेगा और 4,500 मेगावाट की हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यहां से जनरेट होगी। लेकिन दूसरी ओर भारत की ओर से लगातार ये दावा जताया जा रहा है कि गिलगित बाल्टिस्तान भारत का हिस्सा है। ऐसे में पाकिस्तान और चीन की ये पहल कितनी दूर तक जाएगी और भारत का इस पर क्या रुख रहेगा, ये आने वाले वक्त में हमें पता लग सकता है।